हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स पावर के ऊपर। हमारा सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, यूनिक पावर है, जिसको हम पहचान लेंगे तो हम सक्सेस को अचीव कर लेंगे। नहीं पहचान पाते हैं तो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। आइए एक छोटा सा स्टोरी से जानते हैं कैसे हम इंडिविजुअल्स पावर को पहचान। दो फ्रेंड्स होंगे, एक 15 साल का और लगभग सेकंड वाला 8 साल का। 15 साल का जो बच्चा था थोड़ा हेल्दी था और 8 साल वाला जो बच्चा था थोड़ा पतला था। तो दोनों में बहुत गहराई दोस्ती थे और दोनों एक साथ खेलते थे। एक बार खेलते खेलते गाँव से थोड़ा दूर चले गए और एक जो 15 साल वाला जो बच्चा था वो एक गड्ढा में गिर गया, कुआं टाइप का है, वो गिर गया। उसके बाद वो जो उसका जो दूसरा फ्रेंड था जो 8 साल वाला बच्चा था, फ्रेंड्स को बचाने के लिए बहुत ट्राई किया, चिल्लाया, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे कि जो उसको फ्रेंड्स को बचा पाए। लास्ट में ये क्या किया, एक छोटा सा जो रस्सी टाइप का मिला वो रस्सी से उसको वो गड्ढा से निकाला। निकलने के बाद दोनों खुश हो गए, दोस्त फिर मिलके गांव रिटर्न आ गए। जब गांव रिटर्न आए, ये सारे जो स्टोरी उनके साथ हुआ था वो गांव का सारे बंदे को बताए, जो आदमी थे। ये सारे सुनने के बाद जो गांव वाले थे ट्रस्ट नहीं किए दोनों बंदे के ऊपर। वो बोले वो 15 साल का है और तुम 8 साल का, वो हेल्दी में तुमसे डबल है और तुम 8 पतला है, तो उसको तुम कैसे रस्सी से निकाल सकता है। वो ट्रस्ट ही नहीं किए। उसके बाद उस गांव पे एक मुखिया बुजुर्ग आदमी थे, तो सब सोचे कि उनके पास चलते, उनका राय लेते कि कैसे क्या कर लेते, ये ट्रू है कि नहीं। तो सारे गाँव वाले और दो फ्रेंड्स मिल के वो मुखिया के पास गए। सारे जो मुखिया को था ये सारे चीज़ें बताई गई। जब ये बात सुनने के बाद मुखिया जी ने बोले कि जो बंदे बोल तो रहे कि वो कैसे किए, वो दूसरे बच्चे को कैसे वो निकाला, वो गड्ढा से वो रस्सी से साथ निकाला, वो तो बोल तो रहा है, उसमें ट्रस्ट ना करने वाला बात क्या है। इसीलिए वो सक्सेस को अचीव किया, वो फ्रेंड्स को बचा पाया, ताकि वहां पे दूर दूर तो कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम ये काम कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। उसी तरह हम अपना लाइफ में कुछ करने के लिए चाहते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें बोलता है कि तुम कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। उससे हम क्या होते, डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम करने वाला चीज़ों को भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि साइकोलॉजी फैक्टर में हम लोग डाल देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो पॉसिबल नहीं हो जाता। जब वो पॉसिबल हो जाएगा, इतना ईजी था। उसी तरह वो बच्चे को दूर दूर तक कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम कर नहीं पाओगे, तो ये कर लिया। जो वो इंडिविजुअल पावर को पहचान के कर लिया। पावर मतलब ये हेल्दी वेल्दी से नहीं होता, यहां से पावर होता है। अगर आप यहां से स्ट्रांग है, कोई भी काम आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगा। उसी तरह हमारा लाइफ में जो एनवायरनमेंट है नेगेटिव है, तो वो तो नेगेटिव रहेगा ही, उनका काम ही नेगेटिव करना। बट जैसे आप लोग को पता है, अगर एक नाव में, नाव पानी के ऊपर ही चलता रहता है, अगर वो एक छोटा सा छेद हो जाएगा, पानी उसके अंदर आ जाएगा और नाव डूब जाएगा। उसी तरह ये एनवायरनमेंट जो है वो तो नेगेटिव रहेगा ही, क्योंकि उनका काम ही नेगेटिव है। बस वो नेगेटिव को अगर हम सुन के हमारा साइकोलॉजी माइंड में डाल देंगे तो हम अपना लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल पावर्स है, वो खुद के अंदर जो पावर है उसको पहचानो और अपना ड्रीम के तरफ ही डायरेक्शन बढ़ाओ और चलते रहो। क्योंकि आप लास्ट टाइम में जब एंड में आओगे, आपका डेथ होने वाला है। अगर आपका ड्रीम आप अचीव नहीं कर पाए, जो आपने सपना देखा, तो आपका जो सारे जिंदगी है वो आपको एक फीका तरीका लगेगा कि मैंने कुछ नहीं कर पाया। एक ऑप्शन के साथ आप डेथ को अपनाओगे। सो प्लीज आप अपना पावर के पहचानिए और आगे आपका अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए ट्राई कीजिए। थैंक यू।